हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका एक और नई वीडियो में। और देखिए, आज मेरा गार्डन का ओवरव्यू है। काफ़ी दिन बाद ओवरव्यू आ रहा है क्योंकि थोड़ा सा मैं बिजी ज़्यादा रहती हूँ। और ये देखिए कितने प्यारे प्यारे फूल खिले हुए हैं। देखिए कनेर भर भर के आ रही है। और अब अगस्त का महीना चल रहा है और इस टाइम पर बहुत ही अच्छे हमारे प्लांट ग्रो कर रहे हैं। देखिए बहुत ही प्यारे प्यारे फूल खिले हैं, डबल पैटर्न में, सिंगल पैटर्न में। और ये देखिए कितने प्यारे प्यारे गुड़हल खिले हैं। ये सारे मेरे कटिंग से लगाए हुए हैं और काफ़ी सारी कटिंग मैंने बांट दी हैं। और ये इस वाले को देखिए, ये तो मेरी हाइट से भी बहुत ही बड़ा है। ये कम से कम 8 से 7 फुट के और भी बड़ा है, काफ़ी बड़ा प्लांट है। और ये देखिए इधर में प्यारे प्यारे मॉस रोज खिले हैं, हल्की हल्की धूप खिली है। और बारिश का भी मौसम हो रहा है, कभी धूप कभी बादल ऐसे हो रहे हैं। और देखिए बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये है मेरा बालकनी का व्यू, वो सॉरी ग्रिल का, बालकनी का तो नीचे है जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे। और चलते हैं आगे, कौन कौन से प्लांट हैं। ये कुछ प्लांट मैं नर्सरी से लाई थी और ये खिला नहीं है। बहुत ही प्यारा कलर है अलमंडा। अलमंडा मैं 3 लेके आई हूँ, मुझे अलमंडा बहुत ही पसंद है। और ये इसकी डॉग वेराइटी है, ये इतना ही बड़ा रहता है, घना हो जाता है, येलो कलर का है। और ये थोड़ा सा आपने पहले भी देखा होगा, ये उसी की वेराइटी है। ये थोड़ा सा छोटा रहता है, वो बहुत बड़ा हो जाता है। थोड़ा सा ये क्रीम कलर है, गाजरी बोलो, थोड़ा सा वैसा निकलता है ये। और ये टिकोमा, ये जो कि अभी इस पर फूल नहीं खिले हैं, इसको अभी मैंने रिपोर्ट नहीं किया है। और ये है प्यारा सा एक्जोरा। एक्जोरा पहले भी था मेरे पास, वो काफ़ी पुराना हो गया था तो ज़्यादा दिन ये प्लांट चलते नहीं है मेरे। और क्योंकि वो बहुत ही, आपको दिखाऊंगी, देखिए ऐसे हो जाते हैं ये। देखिए अब ये पॉट लाइक प्लांट नहीं रहा है मेरा, ज़मीन लाइक हो गया है, काफ़ी बड़ा है। और ये देखिए इधर कुछ मैंने कॉक्स कॉम लगाए हैं, देखिए सारे ये खुद ही सीड से ग्रो किए थे और काफ़ी सारे हो गए हैं और मैंने काफ़ी सारे रिपोर्ट कर दिए हैं। और इधर मैं देखिए तुलसी, बैंगन और ये ग्वाल की फली हैं जो कि कल मैंने हार्वेस्ट की हैं। आजकल मेरी वीडियो लॉन्ग कम आ रही हैं, शॉर्ट्स ज़्यादा चल रहे हैं। और इधर में बैंगन, भिंडी, देखिए यहाँ पे वो थे मैंने ये सारे कॉक्सकॉम और यहाँ से मैंने ट्रांसप्लांट कर दिए। देखिए भिंडी बहुत अच्छी चल रही है इस टाइम पे, काफ़ी लेट हो गई थी ये। फिर से मैंने 2-3 बार, पुराने बीज हो जाते हैं वो ग्रो नहीं होते, फिर मैं नए बीज खरीद के लाई थी तब मैंने ये ग्रो किए हैं, तो बहुत अच्छे से हो गए। और देखिए कितने ज़्यादा इस पर फूल खिले हैं। अब देखिए इसको देख लीजिए कितना मोटा हो गया ये, देखिए कितना मोटा, बहुत ही मोटा प्लांट हो गया है। ज़मीन लाइक है फिर भी ये मैं गुड़ाई उड़ाई करके, इनकी रूट प्रूनिंग करके इनको अच्छे से मैं चला रही हूँ। और देखिए चारों तरफ इस पर फूल खिले हैं, डेली ढेरों फूल खिलते हैं डेली के। ठीक है, और धूप भी तेज़ हो गई है, धूप में थोड़ा वीडियो का कलर वैसा आता है, थोड़ा अच्छा नहीं आता है। देखिए बहुत ही प्यारा मेरा गार्डन लग रहा है, आप देख सकते हैं। और देखिए इधर में ये मैं पिछले साल बालसम के प्लांट लेके आई थी जो कि ये खुद ही गमलों में गिर गए थे, तो मैंने अब इनको अच्छे से रिपोर्ट कर दिया है, सेट कर दिया है। इधर उधर उगाते हैं, जैसे कि ये मैंने अभी कल शाम को ही लगाए हैं, कुछ कॉक्सकॉम यहाँ पे लगाए हैं। और ये देखिए कितने प्यारे ये मेरे मॉस रोज खिले हैं, देखिए पूरी बाउंड्री मेरी इनसे भरी पड़ी है, बहुत ही सुंदर लगते हैं। किसी दिन बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, किसी दिन कम मात्रा में होते हैं। और ये देखिए इधर में भी एक रो यहाँ पे है, बहुत ही प्यारे लगते हैं देखिए। और ये देखिए मैंने कटिंग से लगाई थी और काफ़ी सारी मैंने बांट भी दी हैं और मेरे यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुड़हल हो गए हैं। और देखिए ऐसे ये इधर उधर उगते रहते हैं बालसम, कुछ मैंने इधर लगाया है कॉक्सकॉम। और देखिए इस टाइम पे अगस्त के महीने में देखिए ये काम ज़रूर कर लीजिएगा आप, ये गुलदाउदी की कटिंग है जो कि छाया में रखी है, रिपोर्टिंग, प्रूनिंग और जो भी सीड्स ग्रो करने हैं आप कर लीजिए। बहुत ही अच्छा टाइम चल रहा है, बारिश का टाइम चल रहा है। और देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं मेरे यहाँ पे, ये देखिए फूलों से भरा पड़ा है मेरा गार्डन। और इधर में ये फिर से गुड़हल, उसी की वैरायटी है बड़े वाले प्लांट की जो कि मैंने उसी की कटिंग कर करके ये सारे में लगाए हैं। देखिए इस पर भी कलियाँ हैं, फूल भी खिलते हैं। और देखिए इधर में, और ये एक टोकरी, एक टोकरी इधर है। और ये देखिए सारे ये खिल के जा चुके हैं, ये भी मेरे कटिंग से ही लगाए हुए थे जो कि बहुत अच्छी मात्रा में फ्लावरिंग करते हैं। अब ये फूल झड़ जाएंगे और न्यू कलियां बनेंगी, तब जाके ये बहुत सुंदर से ये यहाँ पे फूल खिलने वाले हैं। और देखिए एक कटिंग ये चल रही है गुड़हल की, देखिए कितना ज़बरदस्त हो रखा है ये, देखिए एकदम
बहुत ही ज़बरदस्त हो रखा है ये कनेर बहुत ही। अब ये काफ़ी बड़े बड़े प्लांट हो गए, इसको भी मुझे देना पड़ेगा क्योंकि ये काफ़ी मोटा हो गया है। गमले लायक अब इसका वो नहीं है, गमले लायक नहीं रहा है क्योंकि मोटे मोटे प्लांट हो रहे हैं काफ़ी, देखिए बड़े बड़े, जो कि ये मेरे को ज़मीन में शिफ्ट करने पड़ेंगे किसी को या फिर देने पड़ेंगे। देखिए ये भी काफ़ी मोटा हो गया है, पता नहीं मेरी वीडियो क्योंकि धूप में मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है कि आपके पास ये वीडियो कैसी दिख पा रहे हैं। और देखिए ये छोटे छोटे गमलों में ही देखिए कितने बड़े बड़े प्लांट चल रहे हैं, देखिए कितने बड़े बड़े प्लांट चल रहे हैं। सदाबहार मैंने सारे छांट दिए हैं। और ये देखिए कनेर, ये रेड कलर की खिलती बहुत ही प्यारी लगती है, अभी इस पर खिल के जा चुके हैं, फिर से इस पर ग्रोथ स्टार्ट हुई है, फिर से इस पर कलियाँ बनेंगी, बहुत ही प्यारे फूल आते हैं इस पर ये रेड कलर के। देखिए इस पर भी ये डबल में है, पता नहीं धूप की वजह से साफ दिख रहा है या नहीं भी दिख रहा है। देखिए डबल पैटर्न में खिलते बहुत ही प्यारे लगते हैं और सेड भी इसमें डबल निकलता है, वाइट और ये पिंक। देखिए और इधर में ये है मेरे बुद्धा जी, और ये सारे मैंने पर्पल हार्ट जितने भी हैं ये सारे मैंने कट कर दिए थे, बहुत ज़्यादा हो गए थे, बहुत ये यहाँ यहाँ तक हो गए थे, ये बुद्धा जी दिख भी नहीं रहे थे, तो मैंने सबको कटिंग कर दिया। इस टाइम पे कटिंग करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है पौधों, क्योंकि इधर उधर हो जाते हैं लैगी लैगी टाइप के। देखिए ये मेरे जेड प्लांट बहुत ही लैगी से हो रहे हैं, और ये कटिंग के लिए अब देखिए बहुत ज़्यादा कटिंग करती हूँ तो मैं इधर उधर लगा देती हूँ, फेंकने का मन नहीं करता कि अच्छा है। और बहुत ही ज़्यादा मेरे छत पे अब जगह भी नहीं रही है, हर जो भी मिलता है डब्बा डब्बी सब मैं लगा देती हूँ। देखिए कितने ज़्यादा मेरे जेड प्लांट हो रखे हैं, इधर भी है, नीचे भी है, इधर भी है, और देखिए उधर भी हैं, देखिए उधर भी मेरे यहाँ पे रखे हैं। और देखिए रेन लिली ढेरों के लिए आ रखी हैं इस पर, और यहाँ पे इसकी गुड़हल की भी मैंने हार्ड प्रूनिंग कर दिया, देखिए कितना मोटा है ये। और इधर कुछ गुलाब हैं, अभी बारिश की वजह से इनमें कलियाँ बनने लग गई हैं जो कि धूप में बहुत तेज़ धप रहे थे। और देखिए यहाँ पे ये ना मेरे एसी का आउटर है, इसकी वजह से थोड़े मेरे गुलाब थोड़े वैसे हो रहे हैं, थोड़े सूखे सूखे से हो गए हैं, कोई नहीं, जैसे ही एसी का इसका आउटर का हवा कम होगी, मौसम चेंज होगा, तो ये इनका भी मौसम आएगा अक्टूबर में, सितंबर अक्टूबर में अच्छी ग्रोथ करेंगे। तो देखिए ये कुछ मेरा गार्डन का ओवरव्यू है जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है इस टाइम पे। के साथ तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।